So today we are going to discuss about the ball mill. Ball mill equipment है किस चीज के लिए? साइज रिडक्शन के लिए. साइज रिडक्शन जैसे हम चैप्टर आगे डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम जो इक्विपमेंट जो हमारे सिलेबस में है वो है बाल मिल एंड हैमर मिल. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बाल. तो नाम में इससे है कि बाल मिल में क्या बॉल जैसा कुछ यूज होगा. तो बॉल मिल आर ऑल्सो नोन एज टम्बलिंग मिल. इसको हम टम्बलिंग मिल भी कह सकते हैं. जैसे कि वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जब भी हम कपड़े डालते हैं तो टम्बलिंग होती है, टम्बलर का काम करते हैं. सेम ऐसे बाल मिल में भी ऐसा ही होता है. प्रिंसिपल क्या है इसका? द बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन. इम्पैक्ट और एट्रिशन हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइज रिडक्शन में आपको बताया है. वहाँ आप समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है. कंस्ट्रक्शन हम बात करते हैं कि कैसे बना होता है. तो द बॉल मिल इज ऑल्सो कॉल्ड जार मिल, कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर और जार मेड ऑफ स्टील और पार्सलिन. जो बॉल मिल होता है उसे हम जार मिल भी कह सकते हैं. और इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है या कोई ऐसा जार होता है जो स्टील या पार्सलिन का बना होता है. द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज स्लाइटली ग्रेटर देन इट्स डायमीटर विच इज पार्सली फिल्ड विद बॉल्स मेड फ्रॉम सेम मटीरियल एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. जो सिलेंडर की जो लेंथ होती है वो उसके डायमीटर से थोड़ी ज़्यादा होती है. और इसमें हम जो बॉल्स का यूज़ करते हैं वो उसी मटेरियल के बने होते हैं जिस मटेरियल से हमारा सिलेंडर जो हमारा जार है वो बना होता है. सिलेंड्रिकल शेप जो जार है, जिस कंटेनर जिस मटेरियल से बना होता है उसी के बने होते हैं हमारे बॉल्स. द बॉल्स एक्ट एज अ ग्राइंडिंग मीडियम. जो बॉल किस का काम करते हैं, ग्राइंडिंग मीडियम का काम करते हैं, मिक्सिंग करने का काम करते हैं. If pebbles, rods or bars are used in place of balls, then the mill is known as pebble mill, rod mill or bar mill respectively. अगर balls की जगह हम pebbles का use करें, rods का use करें या bars का use करें तो उनको हम pebble mill बोल सकते हैं, rod mill बोल सकते हैं, bar mill बोल सकते हैं. Mostly the balls made from steel are used, which are often the most efficient, but may produce deterioration or contamination of certain substances. Therefore, the balls made of porcelain, nylon or rubber may be used, and the inner surface of cylindrical vessel is also lined with the same type of material as that of balls. ज़्यादातर हम किस balls जो हमारी होती हैं steel की बनी होती है जिनका हम use करते हैं. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा efficient होती हैं. लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर steel के बने balls के cases में उसके डिट्रियोशन और कंटेमिनेशन किसके, जो भी हम सब्सटेंस का ग्राइंडिंग कर, जो भी जिस भी सब्सटेंस की हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं उसके डिट्रियोशन या कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ स्टील बॉल्स. इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉर्सलिन, नायलॉन या रबर जैसे बॉल्स बने बॉल्स का यूज़ करते हैं. और जो हमारा सिलेंड्रिकल वेसल उसमें उस केस में क्या करते हैं, जो हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी जो अंडर की लाइनिंग हो वो पॉर्सलिन, नायलॉन या रबर की से लाइंड हो. The cylindrical vessel is mounted on a metallic frame and rotates horizontally by hand or mechanically. जो cylindrical vessel होती है वो metallic frame पर जो है उसको mount होती है और जो उसका rotation होता है वो horizontally होता है, hand से या mechanically भी कर सकते हैं. The upper side of vessel is fitted with tightly closed lid through which material is introduced. तो जैसे हमारा कोई भी जार होता है उसके ऊपर ढक्कन होता है, सेम ऐसे ही हमारा जो वेसल होता है इसमें भी ऊपर एक लिड होती है जिसके थ्रू हम क्या, जिस मटेरियल का साइज रिडक्शन करना है उस लिड के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं. ये डायग्राम है. डायग्राम में क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल जो हमारा वेसल है या जिसको हम जार भी बोल सकते हैं, इसका जो लेंथ है वो डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है. ऊपर की साइड जो है यहाँ पे मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लिड होती है जिसके थ्रू हम मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं. अंदर स्टील बॉल्स दिख रही हैं और जो मटेरियल है वो भी जो स्मॉल है वो क्या है, मटीरियल है. और जो बड़े बड़े हैं वो स्टील बॉल्स हैं. क्या होता है कि ज़्यादातर हम इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो हम बॉल मिल को जो हम ऑपरेट करते हैं तो हाई स्पीड से नहीं करना चाहिए, उसकी स्पीड को क्या कंट्रोल करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जब अगर लो स्पीड रहेगी तो बॉल्स हमारी जो है उसमें इम्पैक्ट ही नहीं करेंगे हमारे सब्सटेंस पे, जिससे उसका साइज रिडक्शन नहीं होगा. अगर हाई स्पीड होगी तो वो क्या करेंगे, जो हमारे बॉल्स होंगे वो पेरिफेरी पे जाके हो जाएंगे और हमारा जो मटेरियल होगा उस पर इम्पैक्ट ही, उस केस में भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर करेक्ट स्पीड को हम मेंटेन रखेंगे तो जो बॉल्स और जो हमारा सब्सटेंस जिसका साइज रिडक्शन करना है उनके बीच में एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों प्रोसेस होंगी. अब वर्किंग क्या होती है बॉल मिल की, द मटेरियल इज पुट
इनटू द मिल थ्रू द लिड। जिस मटेरियल को हम ऊपर से इंट्रोड्यूस करते हैं लिड के थ्रू, द मिल इज रोटेटेड एट अ स्लो स्पीड अंटिल द प्रोडक्ट इज डिजायर्ड साइज इज प्रोड्यूस्ड। मिल को हम नॉर्मली स्लो स्पीड पे रोटेट करते हैं। स्लो स्पीड मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब अप्रोप्रिएट स्पीड पे मेंटेन करते हैं, ताकि और तब तक हम उस स्पीड पे रखते हैं जब तक हमारा डिजायर्ड साइड का प्रोडक्ट मिल ना जाए। हाई स्पीड अवॉइड किया जाता है, ऐसा कि अभी हमने बताया हाई स्पीड इज अवॉइडेड बिकॉज द बॉल्स आर हेल्ड अगेंस्ट द मिल केजिंग बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रिवॉल्व विद द मिल एंड विल नॉट फॉल ऑन द ड्रग व्हेन दे रीच एट द टॉप पोजीशन। क्या होता है, हाई स्पीड करेंगे तो बॉल्स जो है जाके पेरीफेरी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पेरीफेरी पे स्टोर हो जाएंगे और हमारे मटेरियल पे इंपैक्ट नहीं करेंगे। व्हेन मटेरियल इज रिड्यूस टू एप्रोप्रिएट साइज इट इज टेकन फ्रॉम द वेसल एंड पास थ्रू द सूटेबल सीव टू गेट द पाउडर ऑफ डिजायर्ड पार्टिकल साइज। जब हमारा एप्रोप्रिएट साइज का मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा तो हम उसको सूटेबल सीव के थ्रू हम डिजायर्ड साइज का पार्टिकल साइज के पाउडर को हम अलग कर लेंगे। जो भी हम बॉल्स यूज करते हैं उनका जो डायमीटर होता है 2 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए। द स्पीड एट विच द बॉल इन मिल इज रोटेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं एडवांटेजेस की, फायदे क्या हैं। इकोनॉमिकल होता है, सिंपल उसको ऑपरेट कर सकते हैं। वाइड मटेरियल इसमें उसकी साइज रिडक्शन किया जा सकता है। इजीली क्लीन किया जा सकता है एज कम्पेयर टू अदर मिल। दे कैन बी स्टरलाइज सो कैन बी यूज फॉर मटेरियल टू बी यूज इन पैरेंटल एंड ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन। बॉल मिल को हम स्टरलाइज भी कर सकते हैं, तो ये उन मटेरियल के लिए बहुत अच्छा है जिनको हम पैरेंटल ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन में यूज करते हैं। दे कैन बी यूज फॉर वेट एंड ड्राई। अब इसके नुकसान देखिए तो डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉइजी बहुत होता है, वेयर अकर फ्रॉम द बॉल एज वेल एज फ्रॉम द केसिंग विच मे रिजल्ट इन कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो बॉल्स हमारी रोटेट करेंगी उनका जो है वेयर टेयर हो सकता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट कंटेमिनेट हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बाल मिल्स। नेक्स्ट वीडियो में हैमर मिल के बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।